कोटा में बैराज के समीप बनकर तैयार समानांतर पुल को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पुलिया के बनने के बाद अब कांग्रेस इसे आवागमन के लिए शुरू करने की मांग कर रही है। आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुल पर पहुंचकर जबरन पुल का उद्घाटन करने की कोशिश की। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की झड़प भी हो गई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पुल पर जाने से रोका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुल को बनने के कई दिन हो गए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पुल का उद्घाटन हो और उन्हें जाम से राहत मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पुल आमजनों के लिए समर्पित नहीं किया गया तो वह आगे बढ़ेंगे और पुलिया पर यातायात शुरू करवाएंगे। आज यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टी के जो सदस्य हैं आज वो आए हैं, इन्होंने आके रिबन काटा है, नारियल फोड़ा है और प्रशासन यही मांग की है। आज तो हम आपके समझाइश पर जा रहे हैं, हम दोबारा नहीं समझेंगे, यातायात चालू कराएंगे, चाहे आप हमारे ऊपर मुकदमे लगवाओ, केस लगवाओ, पहले भी लगवाए आपने हम तब भी नहीं डरे, आगे भी लगाओ हम तब भी नहीं डरेंगे।